हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है S12 Solutions। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी तो हमने आपको कहा था कि जो S12 में नया CBCS सिस्टम लागू हो रहा है, इसके बाद हम जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा वैसे ही हम आपकी स्टडी स्टार्ट करवा देंगे। तो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो नया सिलेबस आया है वो कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत से सवाल स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे, तो मैंने सोचा जरा उनको बता दूं कि अगर अभी तक जिन बच्चों को उनका सिलेबस नहीं पता चला है तो वो अपना सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, ये प्रीवियस वीडियो थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां के जाकर आप वहां पर सीधा चेक कर सकते हो कि कैसे आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। देन सेकेंड थिंग, आपका जो सिलेबस जैसे जैसे आ रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ, मैं जरा आपको बता देता हूँ कि आपका आखिर सिलेबस क्या है। जैसा आप जानते हो कि सबसे पहले जो CBCS सिस्टम लागू हुआ उसमें BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स थे, BA प्रोग्राम, उनका सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस आया। हालांकि अब आपका संस्कृत का, मैथ्स का, पॉलिटिकल साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, उनका सिलेबस आपके सामने आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई जो आज का हमारा बेसिकली जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है उसमें क्या आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे। ये तो आप टॉपिक देख सकते हो, लेकिन उनको कहाँ से पढ़ना है और उनकी चीजों के अंदर पढ़ना क्या है, क्या क्या है, जरा इसके बारे में हम बात करेंगे। एक तरीके से हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो उसके लिए आज की जो क्लास, एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, क्योंकि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जरा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली कि हिस्ट्री क्लास जो CBCS सिस्टम है उसकी जो नया सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम लागू हुआ है उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे हमें टॉपिक पढ़ना है। तो जरा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कि आपकी पूरी बुक ही डाउनलोड कर ली है तो उससे मैं एक एक करके चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि भाई जैसा आप जानते हो 1 से लेकर 8 यूनिट तक आपके आएंगे। 8 यूनिट है आपके, 1 से लेकर 8 यूनिट तक है। फर्स्ट यूनिट जो है इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको पढ़ना है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, स्रोतों का सर्वेक्षण। अब ये जरा क्या है, जरा इसके बारे में आप जानो। सर्वेक्षण तो इसमें बेसिकली आपको क्या है कि ये फर्स्ट यूनिट जो है ये पहले भी थी आपकी फर्स्ट यूनिट और अभी भी, ये पहले जो S12 का फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसमें भी चैप्टर था और अभी भी है कि इतिहास लेखन की जो क्या क्या स्रोत थे वो पहले भी था और अभी भी है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, एक आपको साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। फर्स्ट आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है। देन सेकंड जो है आपका इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है। जो साहित्यिक स्रोत है इसका एक और पार्ट आता है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है इसके लिए, जो आपके यात्रियों के नजरिए ये भी हमारे इतिहास लेखन में मदद करता। तो इस चैप्टर से बेसिकली इन 3 क्वेश्चनों पे आपका क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, और ये 3 चीजों को आपको पढ़ना आएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपने थंबनेल भी देखा, चेक किया कि उसके अंदर हमें कौन सी बुक है सर बताने वाले हैं कि कौन सी बुक हमारी अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, जिसको पढ़े और हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो आपकी RS शर्मा, ये जो राइटर है इसकी बुक आप अमेजोन वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप जो पढ़ क्या रहे हो, आपको चेक करना है प्राचीन भारत का इतिहास, इस राइटर का किसने लिखा है, प्राचीन भारत का इतिहास,
आपको ये चेक करके ये बुक लेनी है कि वो बुक जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास की हो। तो आपको मैंने जैसे बताया फर्स्ट यूनिट जो है आपका इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और स्रोतों का सर्वेक्षण। तो इसके अंदर आपको बेसिकली तीन मेन चीजें हैं इसके अंदर पढ़ना आएगा, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रियों के नजरिए। ये तीन फर्स्ट यूनिट में आपका इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में भी बन सकता है। देन अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेकंड यूनिट है वो क्या है क्या नहीं है। तो सेकंड यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी बुक है वो आर्य शर्मा मैंने बताई अपनी तरफ से। इसके अलावा जयंत शर्माली राइटर है उसकी भी बुक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। जो बच्चा बाहर से बुक नहीं खरीदना चाहता वो सीधा एसओएल की बुक से भी पढ़ सकता है। जरा दूसरा आपका जो यूनिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे यूनिट में क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसके अंदर हम देखते हैं जो आदि मानव था, मानव की उत्पत्ति इस जगह हम बताते हैं कि भाई आदि मानव जो था कि कैसे आया, कैसे उसने लिया। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक काल में, इसमें आपको एक तो पाषाण काल के बारे में पढ़ना होगा, इसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनके बारे में आपको डीप से पढ़ना होगा कि पाषाण मतलब पत्थरों का काल। आपको ये पढ़ना होगा कि जो पाषाण काल था वो पत्थरों का काल था, पत्थरों का दौर था, जब आदि मानव ने इस टाइम पे क्या किया था कि बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो पत्थर हैंगे पत्थरों का वो निर्माण करने लगा था, पत्थरों से औजार बनाए उसने और साथ ही साथ आग की खोज करी या और चीजों की, वो पत्थरों का बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल करता था। इसके अंदर हमारा बेसिकली ये आने वाला आएगा। देन सेकंड हम बात करते हैं मध्य पाषाण, जब पत्थरों के काल में वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये उसका काल आएगा जब उसने धीरे धीरे क्या है भाई अपनी बस्ती बसाने शुरू करी, इसके बारे में आपको पढ़ना आएगा। तो ये आपका जो प्रागैतिहासिक काल आएगा इसके बारे में आपको आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है बेसिकली, क्या नहीं पढ़ना, पाषाण का मतलब क्या हो गया, पूरा पाषाण यानी पूरा पाषाण का काल से जो पहले का काल था उसमें आप क्या पढ़ोगे कि जब आदि मानव था पत्थरों का यूज नहीं करता था तो उससे पहले कैसा उसका जीवन था, जब पत्थरों का यूज करने लगा तो उसके बाद उसका जीवन कैसा हुआ, तो इस तरीके से उसका जीवन जो उसका क्रम है वो आगे बढ़ता जाता है। जो सेकेंड यूनिट में आपको ये पढ़ना है, मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये जो क्लास है आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, आपका एनवायरमेंटल साइंस और जो अदर सब्जेक्ट आपके होंगे जो आपको पढ़ने हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। जरा हम बात करते हैं अपनी तीसरी यूनिट क्या होती है आपकी, अब आपकी जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा कालीन जिसे कहते हैं अलग अलग नामों से, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में भी देख सकते हैं इसको। तो जो हड़प्पा का जो काल है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको पता है कि भाई इसको कई नामों से जानते थे, जैसे आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो ये इस काल के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें हड़प्पा का समाज पूरा पढ़ना है, हड़प्पा की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है, हड़प्पा की पूरी धार्मिक व्यवस्था पढ़नी है, हड़प्पा का नगरीय योजना क्या था, इन सब चीजों के बारे में आपको बात करनी है। समझ में आ गया? तो क्या है क्या नहीं इसके अंदर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जरा हम बात करते हैं इसका जो चौथा काल था, मतलब चौथी जो यूनिट है जरा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो चौथी यूनिट जो आपकी बेसिकली अगर आप देखोगे, अभी हमने तीसरी से पहली यूनिट थी सेकंड यूनिट में हमने एक तो पाषाण काल और महापाषाण काल के बारे में बात करी, इसके बारे में आएगा। लेकिन आप देखते हो कि जैसे हड़प्पा आती है तो हड़प्पा के बाद जो हड़प्पा क्यों आती है, क्योंकि हड़प्पा को देखोगे इंसान, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मनुष्य स्थायी तौर पर नदी किनारे बस कर रहना इसने शुरू कर दिया, इसने अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी, विभिन्न प्रकार के नए नए खोज हुए, तो वो मध्य पाषाण काल के बाद आ जाता है। इसके बाद फिर चौथी यूनिट में आप अगर देख सकते हो, चौथी यूनिट जो आपकी किसकी है, तो चौथी यूनिट में आप देख सकते हो वैदिक संस्कृति। अभी वैदिक संस्कृति क्या थी मैं आपको बताया था, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ना है। वैदिक काल आप देखोगे अगर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ तो उसके अंदर आपका एक पॉइंट आएगा आर्यों के आक्रमण। जब आपको हम क्लास में आपको डीप से पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक के बारे में
तो उसमें आप करोगे आर्यों के आक्रमण। तो हड़प्पा के खत्म होने में आर्यों की भूमिका रही, हड़प्पा खत्म हो गया तो आर्य आए, तो आर्य ने ही वेदों की रचना करी थी, जिसमें आपके चार वेद प्रमुख है, आपने जाना भी होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार वेद आपके प्रमुख हैं, ये आर्यों के आने से हुए थे। तो वैदिक कालीन संस्कृति, वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और वैदिक कालीन आपकी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका चलने वाला है दोस्तों, ये उत्तर भारत में चलेगा। अब हम बात करते हैं जरा थोड़ा सा दक्षिण भारत में, पांचवी यूनिट आपकी वाणी है, जिसे हम बोलते हैं महापाषाण काल। ये महापाषाण काल है, ये पाषाण काल में ही बड़ा फेमस टाइम पीरियड रहा है जो साउथ में चला है, साउथ यानी दक्षिण भारत में चला है। वहां पर बहुत सी आपको इतिहास की चीजें हमें वैसे तो लिखित रूप में संगम साहित्य जो आगे के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसकी आगे यूनिट भी आने वाली है आपकी, लेकिन इसमें क्या महापाषाण काल, इसमें कब्रों के बारे में आप पढ़ोगे, बड़े बड़े और चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि महापाषाण काल, इसमें कब्र के बारे में एक तो, देन सेकेंड चीज है आप वहां पर कई लोहे का जो उपकरण है आपके वो इस टाइम आपके स्टार्ट हो जाते हैं बनने, आपके मिट्टी के जो बर्तन आएंगे वो इस टाइम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काल भी जो है आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ोगे, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। तो ये पांच आपके मैंने यूनिट बता दिए, अब आपके तीन यूनिट और बचे, एक एक करके उन यूनिटों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ये आज दोस्तों जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास है, हमने आपको बताया, इसमें हम बेसिकली आज यही जानने वाले हैं कि हमारे यूनिट क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और मित्रगण जो भी हमारे साथ वो भी जुड़े, और हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे वो आपकी एनवायरमेंटल साइंस के लिए हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश या हिंदी के लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो, तो वो भी उन सबका फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पांचवी यूनिट के बारे में। पांचवी यूनिट तो आपका, आपने जैसे वैदिक काल के बारे में भी देखा, अब हिस्ट्री में एक दो शब्द दोस्तों यूज होते हैं, एक तो पूरा और एक होता है उत्तर शब्द यूज। पूरा मतलब प्राचीन पहले के लिए होता है और उत्तर मतलब आने वाले के लिए यानी आगे के लिए। तो आप देखोगे जब वैदिक काल खत्म होता है तो इसमें आप देखोगे वैदिक उत्तर काल लिखा होगा, आपकी फिफ्थ यूनिट है। वैदिक उत्तर का मतलब यही है कि वैदिक के बाद वाला काल कौन सा काल आता है, वैदिक काल के टाइम के लिए जब आपका खत्म हो जाता है। तो इसमें आप बेसिकली यही देखोगे कि नए नए राज्य कैसे बनने शुरू होते हैं वैदिक काल के बाद, नए नए नगर, नए नए बाजार किस तरीके से आपके बनने शुरू होते हैं। तो आपको इसके अंदर वैदिक संस्कृति आगे कैसे बढ़ती है, इसमें आपने अगर हम धर्म के बारे में बात करेंगे तो आपके एक तरीके से वेद के बाद वेदांत की रचना हुई, पुराण, महापुराण, कल्प पुराण, तो इस तरीके से बहुत से अपने ग्रंथों की रचना हुई, समाज आगे बढ़ता रहा। तो आपको इसके बारे में उत्तर वैदिक काल के अंदर बेसिकली पढ़ना है। इसकी भी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था आपको पढ़नी होगी। जो आपका छठा यूनिट है जरा इसके बारे में बात करते हैं, और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक है, इसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य दोस्तों देखो, जो सिलेबस मोस्ट ऑफ आपको CBCS सिस्टम की तरह आपको जो एसएल फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है, वो पहले भी लगभग ऑलमोस्ट सेम था और अभी भी है। तो आपको कैसे पढ़ना है ये स्ट्रेटेजी हम अपनी क्लास के अंदर अपनी यूज करेंगे पूरी तरीके से। और बाकी अभी हम बात करने वाले हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, कि मौर्य साम्राज्य जो है वो क्या था क्या नहीं था। जैसे आप जानते हो भाई 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी आपकी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका उसका पुत्र आपका बिंदुसार, उसका फिर उसका पुत्र अशोक, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। तो जब ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसमें भी आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था इसकी पूरी पढ़नी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आगे का सिलेबस भी आपका देखा है, इसके आधार पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि उसके अंदर डीप से अंदर आपको जाके क्या पढ़ना होगा क्या नहीं पढ़ना होगा। तो ये सिक्स्थ यूनिट थी, ये भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो सेवन यूनिट है वो आपका भी मैंने आपको बताया था, मौर्योत्तर। मौर्योत्तर काल यानी उत्तर का मतलब मैंने आपको भी बताया, उत्तर का मतलब जो बाद, जो मौर्य के बाद क्या आते हैं। जैसे मौर्य के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, गुप्त के बारे में पढ़ना होगा, शक के बारे में पढ़ना होगा, कणवे राजाओं के बारे में पढ़ना होगा, इसके साथ साथ आपके चालुक्य, होसल, ऐसे साउथ के भी कुछ शासक होंगे, इसके बारे में आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होगा। अब इसमें से गुप्त रहेगा, हर्षवर्धन रहेगा, ये तो थोड़े मेन शासक रहते हैं। गुप्त शासक में भी आपका जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है,
इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की स्थापना करेगा, इसके बाद समुद्रगुप्त आएगा और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। इस तरीके से गुप्त वंश भी खत्म होगा, आगे फिर हर्षवर्धन आएंगे। तो ये मौर्य उत्तर काल आपका चलने वाला है। अब इसकी एक नंबर और आखिरी यूनिट जो आपकी जो है कि इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो सुदूर दक्षिण क्षेत्र है वहां पर एक और यूनिट है, आठ यूनिट है, और आपको पता है आठवीं यूनिट है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए संगम वंश कह लो, संगम साहित्य कह लो, तो संगम के बारे में पढ़ना। ये एक यूनिट है, क्या है क्या नहीं जरा इसके बारे में भी आप जान लो कि देखो साउथ में बेसिकली जो साउथ रहा आपका उसमें तीन वंशों ने राज किया, चोल चेर और पांडव। अगर आपको साउथ का इतिहास जानना हो तो आपके पास संगम से बढ़िया, संगम साहित्य से अच्छा और कोई स्रोत नहीं है आपके पास इतिहास जानने का। तो इसीलिए आपको सिलेबस में हिस्सा लिए टॉपिक भी दिया गया है और ये पहले भी था। ये सारे के सारे टॉपिक आपको आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। आप अगर जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता, आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा, इट मीन 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें फंडा क्या होता है, आप कैसे इसको अटेंड करने वाले हो, आपको जो पेपर मिलेगा ये दो सेक्शन में मिलेगा, हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन देन सेकेंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन होंगे आपके, देन सेकेंड में 6, 7, 8, 9 और 10। आपको हर यूनिट से यानी फर्स्ट वाला जो आपका बन के आएगा इससे 2 क्वेश्चन अटेंड करने कंपलसरी होंगे, चाहे आप कोई से भी कर सकते हो, पहला करो, चौथा करो, दूसरा करो, तो कोई भी कर सकते हो, वैसे इसमें 2 कर सकते हो। जो आपका तीसरा 2 इधर से अटेंड हो गए, 2 इधर से अटेंड हो गए, और जो आखिरी नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आप उसको कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब इट मीन आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपको इसमें काफी लिखना होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस स्ट्रेटजी से किस स्पीड से कैसे लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस तरह की जो वीडियोज है उसका पूरा का पूरा लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।